ऑटो एडिक्ट यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ऑल न्यू 2021 Hyundai Creta, जिसका सेकेंड जनरेशन वेरिएंट है एंड इट्स द SX ऑप्शनल वर्जन, जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है। इससे ऊपर कुछ नहीं आता मैनुअल ट्रांसमिशन में। एंड देखेंगे क्या है इसके फीचर्स, पूरी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रंट में हमें बहुत ही स्लीक सिग्नेचर डिजाइंड फ्रंट ग्रिल देखने को मिलती है एंड वी गेट ट्राई शेप्ड एलईडी हेडलैम्प्स जो कि फुल एलईडी हैं विद डे टाइम रनिंग लाइट्स एंड दे लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। साइड प्रोफाइल गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है एंड रियर में भी ये जो टेल लैम्प्स हैं दे आर अ रिजेंबलेंस ऑफ द हेडलाइट्स एंड द बैक प्रोफाइल इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव। कार की लुक्स बहुत ही ज़्यादा पोलराइजिंग है एंड दे कैन बी अ हेट और अ लव फैक्टर फॉर ईच पर्सन। कार की रोड प्रेजेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। सो टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द ऑल न्यू Hyundai Creta, हमें यहाँ पे ब्लैक के साथ वाइट कलर थीम देखने को मिलेगी ऑफ द इंटीरियर। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इट्स अ हार्ड प्लास्टिक, सो कोई भी लेदर अपोल्स्ट्री या फैब्रिक अपोल्स्ट्री यूज़ नहीं की गई है। एंड यू गेट नाइस एसी वेंट्स एंड इनकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इनकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड कमिंग ऑन टू द गियर नॉब ऑफ द कार, यहाँ पे हमें पियानो ब्लैक फिनिश में ही लेदर स्टिच गियर नॉब मिलेगी एंड इट कम्स विद अ 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें बोथ पैसेंजर एंड द ड्राइवर सीट्स के लिए हमें सीट वेंटिलेशन मिलेगी ओनली फॉर द कूलिंग फंक्शन, जो कि समर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट फीचर है। एंड यहाँ पे आप एसी का लेआउट देख सकते हैं, वी गेट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स एंड इसमें जो लोएस्ट टेम्परेचर है इट्स 19 एंड हाईएस्ट टेम्परेचर इज 29 एंड इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस यूनिट। एंड कमिंग ऑन टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ द कार, यहाँ पे हमें 10.25 इंचीज का मैसिव इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा विद फिजिकल कंट्रोल्स। आप देख सकते हैं इन कंट्रोल्स की जो क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल्स का, स्विचेस का यूज़ किया गया है नो डाउट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको मोर देन 55 कनेक्टेड कार ब्लूलिंक कनेक्टिविटी के साथ आने वाले फीचर्स मिलेंगे, सो वील गेट अपॉन इट इन अ वाइल। यहाँ पे आपको इन बिल्ट ही नेविगेशन मिलेगी विद स्प्लिट स्क्रीन एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले है वो भी इसी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अब हम स्लॉट करेंगे रिवर्स गियर एंड सो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का डिस्प्ले मिलेगा एंड जो इसकी गाइडलाइंस है वो डायनेमिक है, मतलब कि वो मूव करेंगी एज यू मूव योर स्टेयरिंग व्हील। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इसमें भी स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे नेविगेशन चल रही है, अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो यहाँ पे मुझे बैक सेंसर्स का डिस्प्ले आएगा एंड इट्स अ वेरी क्रिस्प डिस्प्ले। यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक्स यूज किए गए हैं एंड अब आप सुन सकते हैं यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा है जस्ट बिकॉज आई एम क्लोज टू अ ट्री। एंड दिस मीन्स 360 डिग्री पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, जो कि किया सोनेट की GT लाइन वेरियंट में आता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहां से भी अपने सराउंडिंग्स चेक करके बहुत ही कन्वीनियंट वे में कार को पार्क कर सकते हैं। इसका जो सेंसर्स का डिस्प्ले है वो हमें MID के अंदर भी शो हो रहा है, सो इट्स अ वेरी नाइस फीचर। सो एंड यहां पे हमें डे एंड नाइट ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल IRVM मिलेगा विद SOS ब्लूलिंक कनेक्टिविटी एंड वी गेट अ बिग पैनोरामिक सनरूफ। कमिंग ऑन टू द स्टेयरिंग व्हील ऑफ द कार, हमें यहाँ पे बटरफ्लाई स्टाइल में बिल्कुल Audi से इंस्पायर्ड स्टेयरिंग व्हील मिलेगा एंड वी गेट स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ऑन बोथ द साइड। यहाँ पे हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के स्विचेस मिलेंगे, यहाँ पे वी गेट क्रूज कंट्रोल, बीच में Hyundai का लोगो एंड हॉर्न इसका बहुत ज़्यादा शार्प है नो डाउट। एंड बीच में हमें 7 inches की सेमी डिजिटल सेमी एनालॉग मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलेगी विच इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड विल गेट अपॉन इट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिटिंग पोस्चर है मेरा, इट्स वेरी कंफर्टेबल, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें 8-way पावर एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी, सो आई कैन एडजस्ट इट लाइक दिस। यहाँ पे मैं लंबार सपोर्ट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ, सो इट्स अ वेरी कूल फीचर। एंड यहाँ पे मैं बैक रेस्ट को भी रिक्लाइन कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई ड्राइविंग पोस्चर एंड अ कंफर्टेबल पोजिशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू गेट वायरलेस चार्जिंग पैड विच आई डोंट थिंक इज ऑफ मच यूज बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूजर्स डोंट यूज प्रीमियम फ्लैगशिप और iOS स्मार्टफोन्स। और यहाँ पे हमें 12 वोल्ट की पावर एक्सेसरी सॉकेट मिलेगी एंड दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम गेट्स एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार पे एज वेल, बट वो वायरलेस नहीं मिलता, इट्स
वायर्ड एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं यू गेट इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक. सो अगर आपको इसको अप्लाई करना है सो जस्ट प्रेस इट लाइक दिस, बट अगर आपको इसको रिलीज करना है सो यू हैव टू प्रेस द ब्रेक एंड देन यू हैव टू रिलीज इट. एंड एक बहुत ही ऑड सी साउंड आती है जब आप इसको रिलीज करते हैं. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट ऑटो होल्ड फीचर एज वेल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर, यहाँ पे हमें ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर मिलता है. सो व्हाइल यू आर ड्राइविंग द कार आप इस ऑप्शन पे स्विच कर सकते हैं. सो आपका जो बैक कैमरा है, रिवर्स कैमरा है, उसका डिस्प्ले आपको इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम पर आएगा. सो आपको दोबारा यहाँ IRVM पे देखने की जरूरत नहीं है. यू गेट अ लाइव डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन विच एड्स ऑन टू कन्वीनियंस. यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक वाइपर्स के कंट्रोल मिलते हैं, साथ में हमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी मिलते हैं इस वेरियंट पे. एंड अगर आप इसके एडजस्टमेंट की बात करें तो हम यहाँ पे इसको टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हैं वी गॉट अ सब वूफर. इसमें हमें प्रीमियम 8 स्पीकर्स का बोस सराउंड सिस्टम मिलता है विच इज़ वेरी नाइस एंड उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. एंड अब हम प्ले करने जा रहे हैं म्यूज़िक. सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन. एंड जो इसकी एर्गोनॉमिक्स हैं दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर आप देखेंगे इसकी विजिबिलिटी तो इसकी विंडशील्ड से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी. इसकी विंग मिरर्स में बहुत ज़्यादा अच्छा आपको व्यू मिलेगा एंड इट ब्रिंग्स अ कमांडिंग व्यू. सो आपको Hyundai Creta चला के बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता दैट यू आर ड्राइविंग अ बिग SUV जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेलेंट जजमेंट्स एंड अर्गोनॉमिक्स. एंड गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड इसका जो डीजल इंजन है काफ़ी रिफाइंड है एंड काफ़ी स्मूथ है. गाड़ी में आपको इंस्टेंट पावर डिलीवरी मिलती है. आप एकदम से थ्रॉटल प्रेस करते हैं एंड यू गेट अ इंस्टेंट रिस्पॉन्स ग्रंट ऑफ पावर जो ओवरटेक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. So talking about the rear space in the Hyundai Creta, so overall experience बहुत ज़्यादा अच्छा है. I have got ample space. जो सामने वाली सीट है it's adjusted according to my sitting position. And यहाँ पर आप देख सकते हैं I've got ample amount of knee room. Under thigh support is not an issue for me. जिसका headroom है वो कुछ लोगों के लिए issue बन सकता है just because ये जो बड़ी panoramic sunroof है ये कुछ amount of headroom का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मैकेनिज्म एंड बट इट्स नॉट एन इशू फॉर मी. बीच में आई हैव गॉट अ लेदर रैप्ड आर्म रेस्ट विद टू कप होल्डर्स एंड हेयर आई हैव गॉट टू AC वेंट्स. आई हैव गॉट द डिस्प्ले फॉर द एयर प्योरीफायर एंड यहाँ पे मुझे स्मार्टफोन प्लेस करने की स्पेस मिलती है. साथ में एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है. एंड कमिंग ऑन यहाँ पे हमें बोस के ही स्पीकर्स मिलते हैं पीछे भी. एंड यहाँ पे आई हैव गॉट मैनुअल कर्टन्स एंड आई हैव गॉट अ सेपरेट कैबिन लैम्प एंड अ ग्रैब हैंडल. जिसकी पैनारोमिक सनरूफ है वो बहुत ज़्यादा एयरी फीलिंग लाती है कैबिन के अंदर एंड इसको देख के आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है एंड इट फील्स वेरी प्रीमियम एज वेल. एंड कार बहुत ज़्यादा वाइड है सो आराम से इसके अंदर 3 आदमी आराम से बैठ जाएंगे नो प्रॉब्लम. एंड जो इसकी सीट्स की अपोल्स्ट्री है वो वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है. तो आई थिंक सो जो वाइट है वो कुछ टाइम बाद गंदा हो सकता है सो यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल. यहाँ पे आपको फैब्रिक अपोल्स्ट्री ही मिलेगी सॉर्ट ऑफ लेदर सो इट्स वेरी कंफर्टेबल है. एंड यहाँ पे आपको ब्रश्ड एल्यूमिनियम फीलिंग मिलेगी एंड आई हैव गॉट दीज वेरी कंफर्टेबल कुशंस एज अ पार्ट ऑफ एन एक्सेसरी विच एड्स ऑन टू कम्फर्ट. एंड यहाँ पे हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलेंगे. कमिंग ऑन टू द इंजन ऑफ द कार वी गेट 1.5 लीटर CRDI टर्बो डीजल इंजन विच प्रोड्यूसेस 113 PS of power and 250 Nm of torque and 0 to 100 just takes barely 10.8 seconds which is a very nice timing regardless of the size of the car. You get engine insulation over here which prevents excess engine noise and you barely hear any kind of engine noise and vibrations inside the cabin just because of excellent quality of insulation used in this car. And this diesel engine is really very refined. सो Hyundai Creta के सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप की वजह से ये आपको किया सेल्टोस से थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्टिफ सस्पेंशन सेटअप दिया गया है. सो इट्स अ मोर कंफर्टेबल व्हीकल एज कम्पेयर टू किया सेल्टोस.